जो सोचा था वही हुआ। आखिर में मायशा और ईशान के लव स्टोरी हो गई है शुरू। जी हाँ, चलिए आपको बताती हूँ और देती हूँ पूरी अपडेट। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखोगे इन दोनों की लव स्टोरी। और यहाँ तो भाई साहब जंगलवासी भी अब चिढ़ाने लगे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पहले ही चिढ़ाना जो है शुरू कर दिया था जब इन दोनों को एक साथ एक ही ब्लैंकेट ओढ़ते हुए देखा था। तभी जो शाहिर श्रॉफ हैं वो और सिम्बा जो हैं उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया था कि भाई ईशान हमारे लिए भी तो कुछ सोचो, नहीं तो मुझे और सिम्बा को ही अपना अफेयर जो है वो शुरू करना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें सामने आ रही थी जहां पर जंगलवासी जो हैं थोड़ा थोड़ा जो टॉन्ट है वो मारते थे इन दोनों को। तो वही आज आप एपिसोड में देखोगे कि किस तरीके से टांग खिंचाई होती है मायशा और ईशान की। दरअसल यहाँ पर करण बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये दोनों तो एक ही बेंच पे सो जाएंगे। तो वही जो तेजस्वी है वो भी खाना बनाते बनाते कुछ ना कुछ टॉन्ट मारती है। मायशा बोलती है कि अरे नहीं नहीं हम तो बस फ्रेंड्स हैं। और वो जो एक मुस्कान होती है दोनों के चेहरे पे वो देखने लायक होती है। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है जब घर वाले यानी कि जंगलवासी जो हैं वो टांग खींचते हैं मायशा और ईशान की। अब आगे आगे देखना होता है क्या। वही बस अब बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार है कि आखिर में एग्जैक्टली क्या चीजें होती है आने वाले एपिसोड्स में, क्या क्या चीजें रिवील होती है। क्योंकि जब मायशा और ईशान साथ में बैठे होते हैं तो प्रतीक का टॉपिक निकलता है। प्रतीक के बहुत सारे राज जो हैं वो मायशा खोलती हैं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। वेल, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है इन दोनों की लव स्टोरी को लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।